त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, शनिवार प्रातः काल 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राधे राधे साहू जी, राधे राधे। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम हर शनिवार के दिन ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर प्रातः काल ज्योतिष के उन सूत्रों का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, जिनके माध्यम से हमको प्रिडिक्शन करने में, फलित करने में और अधिक सुविधा हो सके, है ना। तो इसलिए आशीर्वाद है शाह जी। इसलिए हर शनिवार प्रातःकाल 9 बजे महर्षि पराशर के द्वारा जो आशीर्वाद स्वरूप जो तथ्य, जो सूत्र आकलन करने का जो तरीका हमको बताया गया है, उनकी हम पुनरावृत्ति करते हैं और उनको प्रयोग करते हैं। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि आजकल पंचांग के 5 अंगों में से किस अंग में या किस किस अंग में उस जातक जातिका का जन्म हुआ है, उसके फलित में क्या विचार होंगे, क्या परिणाम होंगे, कैसी स्थिति परिस्थिति होगी, उन्हीं की बखान, उन्हीं की बातें हम करते हैं। मित्रों, आपको कुछ अटपटा यदि लग रहा हो, नन्हे पराशर, आने वाले समय के पराशर अर्थात विद्वान हमारे पास हैं, वह भी अपनी कुछ क्रियाओं से, कार्यों से आपको आनंदित करेंगे। चलिए मित्रों, पिछली बार हमने करणों में जन्म की बात की थी। ये हमने बात बता दिया था कि पंचांग में 11 करण होते हैं, शुक्ल पक्ष में भी, कृष्ण पक्ष में भी कुल 11 करण हैं, और तिथि का आधा हिस्सा करण होता है, तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। तो इसी क्रम में हमने कुछ करणों में जन्म के बात कर ली थी। आज जो है बाकी बचे हुए जो करण हैं, उन करणों की बात हम गाथा करेंगे। तो आज का जो पहला करण है जिसमें जन्म हुआ है तो कैसा होगा, वह करण है वणिज कर, वर्ण, वणिज। वणिज का मतलब ही समझ में आता है कि व्यापार है, व्यापारिक कार्य है। तो ऐसे जातकों की आजीविका व्यापार से, व्यापारिक कार्यों से, व्यापारिक गतिविधियों से या व्यापारिक संस्थानों से होती है। और जो व्यापार करेगा, जो बिजनेस करेगा, उसका जो संबंध है एक जगह से, एक इंसान से, एक वस्तु से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों से होगा, क्योंकि व्यापार के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुतों को मिलना मिलाना पड़ता है। तो वो देशाटन भी करते हैं, घूमना का काम भी करते हैं, और घूमते रहना, संबंध बनाना, भ्रमण करना, व्यापार करने से उनको अभीष्ट की सिद्धि या प्राप्ति होती है। ये बात थी वणिज करने। दूसरा करण आता है विष्टिकरण। मित्रों, विष्टिकरण कितने लोगों ने सुना है, जाना है या उसका प्रयोग है, मैं ये वर्ड क्वेश्चन मार्क प्रश्न इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यह विष्टिकरण जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यह अक्सर ठीक है, वो तो करण तो आते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी विष्टिकरण के कुछ विशेष और विशिष्ट फल होते हैं। वो फल क्या हैं, अक्सर लोग उसको प्रयोग करते हैं। अभी अब कुछ दिनों के बाद जब ये श्रावणी पूर्णिमा आएगी, रक्षाबंधन का त्यौहार होगा, उस दिन इस विष्टिकरण का बड़ा महत्व है। विष्टिकरण को भद्रा भी कहा जाता है, और भद्रा का मतलब है रुकावट। जब हमने तिथियों की बात की थी, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, तब भी इसकी हमने बात कर ली थी। और अब जब भद्रा की बात थी, भद्रा का काम क्या है, रुकावट करना, तो भद्रा तिथि कैसी है, रुकावट वाली। तो इसलिए विष्टिकरण का कार्य ही रुकावट है।
है ना, और ये और क्या करते हैं, वैद्य का काम करते हैं, इलाज का काम करते हैं। इलाज में भी विशेषता जो विष से संबंधित कार्य हैं उनमें इनकी प्रवीणता होती है, विष से संबंधित, विष देने का हो, विष बनाने का हो, केमिस्ट हो ऐसे। और ये कई बार विष का कार्य बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, कुछ अलग से काम, उटपटे काम, बुरे काम भी तरफ ही चले जाते हैं और इनके जीवन में भी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तरह से रुकावट होने की संभावना बनी रहती है या रुकावट होती है। और ये दूसरे जेंडर के प्रति, दूसरे स्त्री या पुरुष जो भी हैं उनकी तरफ भी लालायित रहने वाले। अब दूसरा अगला करण जो है शकुनी। शकुनी आपने सुना होगा, पासे वाला शकुनी जो महाभारत का शकुनी है, कुछ कुछ गुण उसके होते हैं लेकिन वो क्या है, अपने ताकत से अपने व्यवहार से उन कार्यों को, बहुत से कार्यों को निपटा देते हैं, कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी होती है। और ये कुशलता इस तरह की होती है कि जो कार्य करते हैं, जो विधा को प्रयोग करते हैं उससे उनको मास्टरी भी होती है और उन कार्यों को कर लेने से उनको सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। फिर है चतुष्पद। चतुष्पद का मतलब है चार पैर। चार पैरों वाले कौन होंगे, जो गाय भी है और दूसरे जानवर भी है। तो वो क्या जानवर पशु पक्षी जनरली क्या करते हैं, परोपकार का कार्य। हिंसक पशु पक्षी पशु भी हैं तो हिंसक वाले भी कितनी हिंसा करते हैं, अपने उदर पूर्ति तक की हिंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा मांस में कहीं डिवास्टेशन नहीं करते। तो चतुष्पद वाले क्या है, ये भक्ति का कार्य करते हैं। और भक्ति का कार्य करने वाले इंसानों की बात थी, वह गौ की भक्ति, गौ पालन ऐसे भी हैं। या अगर चिकित्सा के क्षेत्र में निकल गए तो पशु चिकित्सक भी ये बन सकते हैं, पशु चिकित्सा के लिए ये उद्यमी भी होते हैं, पशुओं का व्यापार भी कर सकते हैं, पशुओं के संबंधी कार्य भी करते हैं। अब इसी तरह से जो अगला करण है नाग करण। नाग सर्प राज नाग भी कहा जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ नागकरण से मतलब है, नागकरण का अर्थ है, नागकरण के फल हैं जो खेवनहार हैं, खेवट हैं, केवट है, खेवट और केवट। खेवट क्या है, जो खेने वाला है, चाहे वो नाव को खेने वाला हो या नाव के अलावा और किसी तरह से ड्राइव करने वाला हो, पायलट ही क्यों ना हो, लोको पायलट ही क्यों ना हो, टैक्सी ड्राइवर ही क्यों ना हो, किसी तरह का वो जो भी काम करते हैं उनका खेवनहार होते हैं, उनके मदद करने वाले। और मदद करने वाला होता है और प्रेम तो उसमें होता है, प्रेमी भी होते हैं और कठिन कार्य भी करते हैं और उनके जो नेत्र हैं बिल्कुल अट्रैक्टिव रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, चंचलता लिए हुए नेत्रों से नागकरण में जन्म लिए हुए जातकों का व्यवहार और आचार विचार। आखिरी करण जो 11वां करण है वह किस्तु धन। किस्तु धन धन है, किस्तु मीन किस तरह का धन, बहुत तरह का धन। ऐसे जातक जातक का हृष्ट पुष्ट हैं, इनको अभीष्ट की प्राप्ति होती है और ये किसी भी शुभ कार्य को करने में तत्पर भी होते हैं, माहिर भी होते हैं, इनको मास्टरी भी होती है। मतलब कहने का यह है कि इनको बहुत से गुण अनायास ही प्राप्त होते हैं। तो मित्रों यह तो बात थी आज के बाकी 6 करणों की। आज करणों का अध्याय समाप्त। और ये इस तरह से पंचांग का जन्मफल, वार का जन्मफल, तिथि का जन्मफल, नक्षत्र का जन्मफल, योगों का जन्मफल और करणों का जन्मफल के बारे में हमने बहुत सारी बातें बहुत दिनों से हम करते जा रहे हैं। अब आने वाले शनिवार के दिन प्रिडिक्शन के लिए, फलित करने के लिए कुछ और नए सूत्रों का हम आकलन करेंगे, उनका विचार करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।